नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुर आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो एक क्यूट सा आइटम है। आज हम क्रोशिए से ये क्यूट स्नोमैन बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते ना। दोस्तों, आज हम लोग जो स्नोमैन बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये तीन कलर के थ्रेड लिए हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड। और उसके अलावा व्हाइट थ्रेड में मैंने ये 5 बीड्स पिरोए हुए हैं, 2 ब्लैक, फिर एक रेड और फिर से 2 ब्लैक, और एक 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम व्हाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। इन बीड्स को अभी पीछे कर देंगे। अब सबसे पहले एक लूप बना के क्रोशिए में लेंगे और उसके बाद 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन से इसको स्लिप स्टिच से अटैच करके एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। अब इस रिंग में हम ट्रेबल्स बनाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल ट्रेबल्स ना बना के एक बार में बनने वाले ट्रेबल्स बनाएंगे। पहले क्रोशिए पे थ्रेड लेंगे और फिर इस रिंग के सेंटर में डाल के फिर से क्रोशिए पे थ्रेड लेके निकाल लेंगे और अब फिर क्रोशिए पे थ्रेड लेके इन तीनों लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। इस थ्रेड को हमेशा इन ट्रेबल्स के बीच में ही दबाते जाएं। ये देखिए, 11 ट्रेबल्स बनने के बाद हम इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, क्योंकि हम चेन्स को भी एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करेंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट ट्रेबल में 1 ट्रेबल बनाएंगे और सेकेंड ट्रेबल में 2 ट्रेबल बनाएंगे। ट्रबल्स हम हर बार यही वाले बनाएंगे, एक बार में कंप्लीट होने वाला। ये देखिए, फर्स्ट में 1 बनाया था, सेकंड में 2 बनाए, थर्ड में फिर 1 बनाएंगे और फोर्थ में फिर से 2 बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये हम अंदर दबा चुके हैं। काउंटिंग गड़बड़ ना करें, बिल्कुल अल्टरनेट ही चलना है। अब यहां जहां हमने चेन बनाई थी इसमें 1 ट्रेबल और बना देंगे, क्योंकि हम चेन को भी ट्रेबल की तरह ही काउंट कर रहे हैं। और फिर इसको यहां पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए, अल्टरनेट बनाने से इसमें थोड़ी सी राउंडनेस आ गई। इसी तरह हम इसकी 3 रोज बना लेंगे। अब इसमें भी फर्स्ट ट्रेबल में हम ये यहाँ चेन के साथ 1 ट्रेबल और बना लेंगे। फर्स्ट में 1 बनाया था, अब यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से 1 बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते जाएंगे और उसके बाद फिर से 2 बनाएंगे। ऑल्टरनेट बनाने से ये फ्लैट नहीं बढ़ता, बल्कि इसमें राउंडनेस आती जाएगी। देखिए दोस्तों, ये 2 रोज बन गई। अब इस रो में हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसमें हर 2 के बाद 1 में डबल बनाएंगे। मतलब फर्स्ट में हमने सिंगल ट्रबल बनाया, सेकेंड में फिर सिंगल बनाएंगे और थर्ड में 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर इसमें 1 बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में भी 1 ही बनाएंगे और फिर उसके बाद 2 बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है, तो ये जो कर्व इसमें आ रहा है, ये जो गोलाई आ रही है, ये थोड़ी और ज्यादा चाहिए, इसलिए इस रो में हम ट्रबल्स को कम बढ़ाएंगे। इसी तरह इस रो को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इसको हम बाहर की तरफ कर्व करेंगे, क्योंकि फ्रंट हमको ये रखना है। वैसे तो क्रोशिया दोनों साइड से ही सुंदर लगता है, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं।
ये साइड भी इसकी उतनी ही सुंदर है, लेकिन अभी हम इसको इस तरह बनाएंगे। अब हम इसकी 3 रोज में हर ट्रबल में एक एक ट्रबल ही बनाएंगे, एक भी ट्रबल एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, जिससे ये और सीधा हो जाएगा। देखिए ट्रबल्स बढ़ाएंगे नहीं तो ये ऊपर की तरफ उठता हुआ बनेगा। देखिए ये ऊपर की तरफ उठने लगा। ये देखिए 2 रो हमने ये कंप्लीट कर ली सिंगल सिंगल ट्रबल बना के। अब 3rd रो में जब हम आधा बना लेंगे, ये करीब करीब इसका हाफ बन जाएगा, फिर इसमें एक बीड आगे कर लेंगे ब्लैक वाला, और उसके बाद फिर एक ट्रबल बनाएंगे। इस बीड को आगे की तरफ ही रखेंगे, ये आप ध्यान रखें कि ये पीछे ना जाए, आगे ही रहना चाहिए, और अगर पीछे चला भी जाता है तो इसको आप बाद में आगे कर लें। ये इतना बनाने के बाद फिर यहाँ से इसको आगे ले लें और उसके बाद फिर हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद 1 रो और ऐसी बनाएंगे और फिर नेक्स्ट रो में एक बीड और लगा लेंगे बिल्कुल इसके ऊपर। मतलब ये सिंगल ट्रबल की हम 5 रोज बनाएंगे। 2 बना चुके, ये 3rd है। 4th में बिल्कुल प्लेन बना लेंगे और 5th में फिर से एक बीड लगाएंगे। देखिए अब इसके बाद हमने 1 रो और बना ली थी, अब यहाँ पे फिर से बीड लगाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एकदम इसके ऊपर ही लगे बीड, इसको आगे करके फिर इनमें से निकाल लेंगे और फिर एक रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए इसमें कितनी अच्छी गोलाई आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो में धीरे धीरे इसको कम करेंगे, मतलब ये जो ट्रबल्स हैं जैसे हमने धीरे धीरे बढ़ाए थे ऐसे ही धीरे धीरे कम करेंगे। तो अब फर्स्ट ट्रबल में तो हम एक ट्रबल बना लेंगे। उसके बाद जब ट्रबल्स वेरिएशन मैंने आपको सिखाए थे तब बताया था कि एक ट्रबल बना के इसको इनकम्प्लीट छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे और उसके बाद इन सब का एक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में फिर से हम एक बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में भी फिर एक ट्रबल बनाएंगे और उसके बाद फिर से 2 का एक करेंगे। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। अब फिर नेक्स्ट 2 में एक एक ट्रबल बनाएंगे और उसके बाद फिर वही क्रोशे पे थ्रेड लेके इसमें से निकाल लिया, फिर से क्रोशे पे थ्रेड लेंगे और नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे और अब ये जो 5 लूप हैं इनमें से एक साथ निकाल लेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और इसके नेक्स्ट वाली रो में भी हम इसी तरह बनाएंगे, जिससे ये और धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये अंदर की तरफ गोल आता जा रहा है। देखिए देखिए ये कितना अंदर की तरफ घूम गया। अब इसके बाद इस रो में हम हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाएंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रो में इसको फिर बाहर की तरफ करेंगे, मतलब फर्स्ट ट्रबल के ऊपर एक ट्रबल बनाएंगे, सेकंड पे भी एक बनाएंगे, 3rd पे 2 बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बढ़ाए थे एक एक करके, फिर 2 ट्रबल्स में एक एक बनाएंगे और उसके बाद 3rd में फिर से 2 बनाएंगे। इस तरह ये फिर से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आने लगेगा। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम हर 2 ट्रबल के बाद एक ट्रबल बढ़ा रहे हैं,
नेक्स्ट रो में हम 4 ट्रबल्स के बाद 1 ट्रबल बढ़ाएंगे। देखिए इस रो में हमने हर 4 ट्रबल के बाद नेक्स्ट ट्रबल में मतलब 5th ट्रबल में 2 ट्रबल बना लिए। अब इस रो में हम हर ट्रबल में 1 ट्रबल बनाएंगे। अब बिल्कुल इसके ऊपर वाले ट्रबल में मतलब ये वाला जो ट्रबल आ रहा है यहाँ पे हम 1 रेड बीट लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके ऊपर वाले ट्रबल में ही लगना चाहिए, मतलब अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। देखिए अब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया और फिर हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रो में हम फिर से ट्रबल्स को कम करते जाएंगे। इस रो में हम हर 4 ट्रबल्स के बाद 2 ट्रबल्स का 1 कर देंगे। 1, 2, 3, 4 ट्रबल बन गए। अब इसके बाद 5th और 6th में हम जो ट्रबल बनाएंगे उनको एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आने लगा। अब इसके नेक्स्ट रो में इसकी आईज लगाएंगे। जो 2 ब्लैक बीड और हैं वो 1 इधर और 1 इधर लगाएंगे। अभी हमने 4 के बाद 1 कम किया है, नेक्स्ट रो में हम 2 के बाद 1 कम करेंगे। और अब यहाँ पे इसकी सेकेंड आईज लगा देंगे। दोस्तों इसमें काउंटिंग के साथ साथ आप ये भी देखते जाएं कि डिस्टेंस बिल्कुल बराबर आए। ऐसा नहीं हो कि काउंटिंग के चक्कर में हम रह जाएं और डिस्टेंस हम चेंज कर दें। जो इसकी नोज है उसके दोनों साइड बराबर डिस्टेंस आनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में हम और कम कर देंगे। हर 2 ट्रबल के बाद इसमें 1-1 ट्रबल कम करते जाएंगे। दो ट्रबल प्लेन बनाए और उसके बाद फिर 1 ट्रबल कम कर देंगे, मतलब 2 ट्रबल एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद 1 रो और बनाएंगे, इसमें भी हम धीरे धीरे ट्रबल्स को कम करते जाएंगे। वही हर 2 ट्रबल्स के बाद 3rd और 4th को 1 कर देंगे। अब इसके बाद इसकी कैप बनाएंगे ब्लैक कलर से, लेकिन उससे पहले इसमें हम कॉटन या फाइबर को स्टिप करेंगे। ये देखिए ये फाइबर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्टिप कर दें। आप चाहें तो कॉटन भी भर सकते हैं। इसको लूज कर लें जिससे ये भी खुले ना, और इसमें धीरे धीरे ये फाइबर बढ़ते जाए। इसकी राउंडनेस और इसका शेप ध्यान में रखते हुए ही ये फाइबर इसमें स्टिप करें, इसका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए।
अब इसकी कैप हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब हम नया कलर शुरू करते हैं तो जो लास्ट की स्टिच होती है उसकी एंडिंग हम नेक्स्ट कलर से ही करते हैं। यहाँ पे एक चेन बना के इसको टाइट कर लें और उसके बाद इन दोनों थ्रेड्स को हम इसी में दबाते जाएंगे। दो चेन बना लें और फिर जैसे हम अभी बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाते जाएंगे। एक दो नॉट्स बनाने के बाद इन दोनों थ्रेड्स की हम नॉट लगा देंगे, जिससे ये टाइट भी हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। अब फिर इसमें ये थर्ड और फोर्थ को एक कर देंगे। दोस्तों इनको थोड़ा सा टाइट लें जिससे नीचे से फाइबर ना चमके। धीरे धीरे हमको इसको कम करते जाना है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक बार हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे जिससे इसकी हैट थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अब एक बार और ऐसे ही हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें तीन तीन ट्रबल का एक करेंगे। पहले टू चेन्स बनाएंगे, उसके बाद वन, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे टू और फिर उसके नेक्स्ट वाले में थ्री, और इन तीनों का एक कर देंगे क्योंकि अब हमको ये ऊपर से बंद करना है। फिर वन टू और फिर एक और ये थ्री, और अब इन सब का एक कर देंगे। और फिर अब ये नेक्स्ट वन टू और ये थ्री। दोस्तों क्रोशिये पे थ्रेड लेना ना भूलें। यहाँ पे एक ट्रेबल बचा हुआ है उसमें भी बना लेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग वाली चेन से इसको अटैच करके एंड कर देंगे। और उसके बाद इस लूप को बड़ा करके ये थ्रेड इसमें से निकाल के कट कर देंगे। देखिए ये ऊपर से तो बंद हो गया, इसमें यहां पे चारों तरफ एक रो और बनाएंगे। ये जो थ्रेड्स हैं इन्हीं में हम एक रो ट्रबल की बनाएंगे। सबसे पहले इसको लॉक कर देंगे एक चेन बना के।
उसके बाद यहाँ पे टू चेन्स बनाएंगे और फिर इनमें हर ट्रबल में टू टू ट्रबल बनाएंगे और इस थ्रेड को इसी में अंदर दबाते जाएंगे। सबसे पहले हम सेम ट्रबल में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, ये कहीं आपको लगे कि व्हाइट ज्यादा चमक रहा है तो वहां आप दो की जगह तीन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और फिर इसको कट कर देंगे। और इन दोनों थ्रेड्स को क्रोशिए से अंदर कर देंगे। अब इसके लिए एक मफलर बनाएंगे, वो हम रेड कलर से बनाएंगे। मफलर हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, फोर चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट टू चेन छोड़ के थर्ड चेन में एक ट्रबल बनाएंगे। ये हम नॉर्मल ट्रबल बनाएंगे, फिर फोर्थ में एक ट्रबल बनाएंगे और फिर टू चेन्स बनाएंगे और फिर इसको टर्न करके इन दोनों ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल और बनाएंगे। फिर टू चेन्स बनाएंगे और फिर इन दोनों ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बनाएंगे। इसी तरह करीब 10 इंच का ये मफलर बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने करीब 10 इंच का इसका मफलर बना लिया। इसको हम इसके गले में बांध देंगे। ये आप चाहें तो टक भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इसमें टाई कर सकते हैं। ये देखिए एक खूबसूरत स्नोमैन तैयार है। दोस्तों, स्नोमैन की नोज कोनिकल होती है, मतलब गाजर की शेप की होती है। अगर आप चाहें तो इस रेड बीट के ऊपर एक पेपर का कोन बना के चिपका सकते हैं। तो कहिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्यूट स्नोमैन? अब आप ये बनाइए, नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस ट्री लेके आने वाली हूँ। लेकिन तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें जिससे मेरा ये चैनल और आगे बढ़ सके। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।